न्यूज इंडिया 27 नव्या पिढीचं नवं माध्यम। पंचशील नगर एनडी पटेल रोड या परिसरामध्ये अंजुम खान यांचे घर आहे। अंजुम खान यांनी हे घर राजू नामक व्यक्तीला भाड्याने दिले होते, मात्र भाडेकरू घराचे भाडे देत नसल्यामुळे वारंवार घरमालक अंजुम खान यांनी भाडेकरू याच्याकडे घर भाड्याची मागणी केली, मात्र भाडेकरी हा भाडे देण्यास टाळाटाळ करत असल्यामुळे घरमालक याच्याकडे पैशाची मागणी करू लागला। मला पैसे द्या, मी घर खाली करतो असे बोलू लागला। घरमालक यांनी काही पैसे देऊन या भाडेकरूला देऊन घर खाली करून घेतलं, मात्र दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा भाडेकरू यांनी घरात सामान टाकण्यास सुरुवात केली। यावेळी अंजुम खान घरमालक यांचे नातेवाईक घरामध्ये असल्यामुळे भाडेकरू आणि त्यांच्यात हाणामारी झाल्याचे आरोप घरमालक अंजुम खान यांनी केले। तसेच आमच्या जीवाला धोका आहे, समोरचा राजू नामक व्यक्ती हा गुंड प्रवृत्तीचा असून अनेक ठिकाणी असेच प्रकार त्याने केले आहेत, त्यामुळे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि आम्हाला न्याय मिळावा अशी मागणी घरमालक अंजुम खान यांनी केली आहे। हॅलो, मी अंजुम खान, मेरा घर पंचशील नगर में है। सर राजू दो तीन साल से रह रहा है और ना मुझे भाड़ा दे रहा है ना कोई, वो गुंडा आदमी है और गुंडा आदमी के साथ वो हमको हमेशा धमकी देता मारने की, और क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड है, घर फोड़े करता है। और आज हमारे से भी एक हफ्ता लिया उसने कि 1.5 लाख रुपये लेके घर खाली करूँगा। 1.5 लाख रुपये ले लिया उसने और घर भी नहीं खाली करा। मेरे घर वाली उधर थी, मेरी भांजी, उसके ऊपर हमला किया उसने और पॉइजन डाला उसके आँख पे, और मुँह उसने बचाई तो उसका पोत छीन के भागा। उसके साथ दो और आदमी थे। 85 नगर में मेरा घर है, उन्हें चोरी करा 10 दिन से और वापस घर में घुसरा सामान लेके। सामान उसका बाहर ही पड़ा हमारे घर के पास। हमारा बोलना है कि हमको इंसाफ चाहिए। वो हमेशा किसी के घर हड़प करता है, हमेशा किसी के साथ किसी को कुछ ना कुछ करते रहता है। वो किसी को वो नहीं करता, जहाँ भी घर लेता है वहाँ करते, उसकी भी पॉलिटिक्स सपोर्ट है उसको। अभी हमारे ताबे में वो सामान लेके घर में घुस रहा था, अब 5:30 बजे कल उसको दारू पी के आया, उसके साथ दो आदमी थे और उसके बाद उसे पॉइजन की बाटली पिलाने की कोशिश किया हमारे घर वाले को, और हमारे घर वाले ने झटका मार के उसको पूरा आंख पे बदन पी लिया चाहे, और वो उसकी पोत लेके भागा। वो उसका नाम राजू। हाँ, हमने सब बोले हमको इंसाफ चाहिए, बस हम ये चाहते हैं कि दोबारा ना किसी के साथ ऐसे हरकत करे। वो न्यूज इंडिया मराठीसाठी हेमंत काळमेघसह अश्विनी पुरी, नाशिक।